हेलो एवरीवन दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में तो इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन हमारे हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू यहाँ पर आपके सामने दिया गया है पूछा गया है हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो किसने इन्वेंट किया था सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फोर टेड हॉफ टेड हॉफ के द्वारा जो है वो पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया गया था क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है पूछा गया है अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वट सो माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वन चिप के नाम से भी इसे जाना जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक वट कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम कैलकुलेटर्स और ऑल ऑफ दिस सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ दिस कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर्स बनाने के लिए जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ डैश सो माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो बने होते हैं ट्रांजिस्टर्स के ऑप्शन टू हमारा राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स आई माइक्रो द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है यहाँ पर फोर स्टेटमेंट में से कौन सी जो है स्विटेबल है सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पूछा गया है मेमरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सी पी यू इज़ कॉल्ड द डैश राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वन मेन मेमरी जो मेमरी यूनिट होता है वो कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली विद द सी पी यू दैट इज कॉल्ड मेन मेमरी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट सी पी यू रिट्रीव इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्राम सेकेंडरी मेमरी ऑगजरी मेमरी मेन मेमरी और ऑल ऑफ दिस सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री मेन मेमरी सी पी यू जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करता है मेन मेमरी से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पूछा गया है विच कंप्यूटर मेमरी इज़ यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बींग प्रोसेस्ड बाई द सी पी यू सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू इंटरनल मेमरी इंटरनल मेमरी यूज होती है फॉर द सॉर्टिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा विच इज़ करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पूछा गया है द इनपुट आउट प्रोसेसर हैज़ अ डायरेक्ट एक्सेस टू डैश एंड कंटेंट्स अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल्स सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन मेन मेमरी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है हैज़ अ डायरेक्ट एक्सेस टू मेन मेमरी एंड इट कंटेंट्स अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन पूछा गया है वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर इंटरनल मेमोरी द वर्ड कंप्यूटर जो है इट यूजली रेफर्स टू द इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस इंटरनल मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू पूछा गया द एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ दिवाइस सी पी यू और मेमोरी जो है लोकेटेड होते हैं इनमें से किस डिवाइस में राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वन मदर बोर्ड में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री पूछा गया है मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज द डैश सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वन मदर बोर्ड मदर बोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में जो कि कनेक्ट करता है द पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर पूछा गया है पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर ऑप्शन नंबर टू मदर बोर्ड करते हैं कॉमन नेम होता है मदर बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आर दैट रिसाइड ऑन मदर बोर्ड सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ दिस सी एम ओ एस बैटरी फैन और पी सी आई स्लॉर्ट्स जो हैं ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं विच डिसाइड्स ऑन अ मदर बोर्ड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स पूछा गया था कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सी पी यू मैमरी एंड पेरीफेर इज कॉल्ड अ डैश सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन बस कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सी पी यू मैमरी एंड पेरीफेरल्स इज कॉल्ड अ बस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन डैश कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदर बोर्ड लाइक सी पी यू एंड सिस्टम मैमरी तो कौन कनेक्ट करता है कंपोनेंट्स को इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री इंटरनल बस जो है ये कनेक्ट करता है इन कंपोनेंट्स को नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट पूछा गया है द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड बाय द डैश तो एड्रेस जो होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का और मेमरी का वो कैरिड किया जाता है बाय द एड्रेस बस ऑप्शन थ्री हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पूछा गया है अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमरी एंड द अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नॉन एज तो एक फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमरी एंड द अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर उसे हम कहते हैं एड्रेस बस ऑप्शन नंबर टू हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी पूछा गया है रीड और राइट लाइन बिलोंग्स टू वट सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर टू जो रीड और राइट लाइन होती है वो बिलोंग होती है टू द कंट्रोल बस ऑप्शन टू राइट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन पूछा गया है द नेम ऑफ द लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स डैश सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स एड्रेस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसिस डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसिस को कनेक्ट करने के लिए जिनमें से किसका यूज किया जाता है तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर एक्सटर्नल बस का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री विच इज़ नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इनमें से कौन सा जो है इंटीग्रल पार्ट नहीं है कंप्यूटर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर यू पी एस जो है एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निश द कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ आउटेज इज़ वाट राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू विच इज़ यू पी एस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया अटैच टू द सी पी यू फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज डैश राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर टू बफर हम इसे कहते हैं बफर एक टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया होता है विच इज़ अटैच टू द सी पी यू फॉर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर डैश इज यूज तो प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू क्लॉक स्पीड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है अूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सी पी यू टाइम एलोकेटेड फॉर यूज़ इन परफॉर्मिंग अ टेस्क टास्क इज नॉन एज वट सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर इट इज़ नॉन एज टाइम स्लाइस टाइम स्लाइज जो है एक यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सी पी यू टाइम होता है जो कि एलोकेट होता है फॉर द यूज़ इन परफॉर्मिंग अ टास्क नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए डीएमए की फुल फॉर्म पूछी गई है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है ये डीएमए की फुल फॉर्म होती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन है अ मशीन साइकिल इंक्लूड्स व्हाट मशीन साइकिल में जो है वो क्या इंक्लूडेड होता है राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर फाइव नैन ऑफ दिस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बींग एग्जीक्यूटेड बाई कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाई एग्जीक्यूशन फेज राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री इट इज़ नाउन एज इंस्ट्रक्शन साइकिल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स तो कौन सा प्रोसे कौन सा एक प्रोसेस है फॉर द कैरिंग आउट कमांड्स राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट्स तो वो दो इनपुट कौन कौन से हैं राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री पूछा गया है डैश डिफाइंस द पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशंस राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू ऑपरेंट डिफाइंस ऑपरेंट जो है वो डिफाइन करता है पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट डैश तो पाइपलाइन स्ट्रेटजी जो है आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ऑन द मदर बोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर टू एज वट राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू सॉकेट्स मदर बोर्ड में जो है कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर टू एज सॉकेट्स ऑप्शन टू हमारा राइट right आंसर हो जाएगा तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं आई होप आपको ये वीडियोज़ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी एज़ अ रिविज़न पर्पज़ आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो कि क्विक रिविज़न के लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग